पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 से 25 वर्षों में एक बड़ी क्रांति हुई है और आज की पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। हालांकि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य कमियां दिखाना है, लेकिन बदलाव भी पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। यह बयान जिला कलेक्टर संदीप कदम ने दिया। स्थानीय मराठी प्रेस संघ के भवन में आयोजित 55वें राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण के दौरान बोल रही थी। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर वामनराव तुरीले, वरिष्ठ पत्रकार HS पारती, लोकमत के जिला प्रतिनिधि ज्ञानेश्वर मुंडे, जिला मराठी प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष और देशोन्नति के जिला प्रतिनिधि चेतन भैरम, उपाध्यक्ष राकेश सेटुले, सचिव मिलिंद हलवे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कोरोना काल में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रोशनी से हुई। उसके बाद अतिथियों का स्वागत करते हुए और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए चेतन भैरम ने कहा कि पत्रकार जन जागरूकता का काम करते हुए सकारात्मक लिखे। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में स्वर्गीय हिवराज उके, ज्ञानेश्वर मुंडे ने भी उपस्थित पत्रकारों का मार्गदर्शन किया। वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर वामनराव तुरीले, प्रोफेसर HS पारदी ने विचार व्यक्त किया कि लेखन तटस्थता से किया जाना चाहिए और लोकप्रियता पैदा की जानी चाहिए। इस अवसर पर जिला समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इनमें DF कोचे, पंकज वानखेड़े, इंद्रपाल कटकवार, प्रमोद नागदेवी, सागर भंडारकर, चंद्रकांत शिरकोंडावर समेत अन्य लोग मौजूद थे। स्वास्थ्य जांच शिविर में जिला सामान्य अस्पताल ECG तकनीशियन CP कोहड, अधीक्षक अर्चना हटवार, शिल्पा लांजेवार व पकार ने सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर बबन मेश्राम ने किया और धन्यवाद प्रस्ताव मिलिंद हलवे ने किया। मीठे भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। BCN न्यूज के लिए। पत्रकारिता हा लहानपणापासून खूप जिव्हाळ्याचा विषय राहिला, म्हणजे पत्रकारितेचं स्वरूप खूप बदललं आहे। मी शाळेत होतो तेव्हापासून आतापर्यंतचं, म्हणजे मागच्या 20-25 वर्षातच, म्हणजे 25 वर्षात इतका मोठा बदल, म्हणजे त्याला क्रांती म्हणायला हरकत नाही, ते उत्क्रांतीच्या पलीकडचं आहे। आणि एक मोठी क्रांती पत्रकारितेच्या स्वरूपात झालेली आहे। मला अजूनही आठवतं की मी नाशिकला असताना आमच्या घरी देशदूत म्हणून पत्र वृत्तपत्र यायचं, तिथलं स्थानिक वृत्तपत्र आहे, आणि त्यातल्या वेगवेगळ्या बातम्या वाचायची सवय, आणि त्या बातम्यांवर एडिटरला पत्र लिहायचं असं त्यावेळी होतं, आणि ते एडिटोरियलच्या खाली छापून यायचं लोकांची आलेली पत्र। आजही आहे की नाही मला माहीत नाही, पण त्यावेळी ते होतं। आता तिथपासून आपण ते सोशल मीडियामध्ये कमेंट टाकण्यापर्यंत आलेलो आपण, तर ती मला त्यावेळेची सवय होती की वाचायचं आणि ते पत्र पाठवायचं, आणि ते वर्षातून एखाद दोन वेळा कधीतरी ते छापून यायचं, आणि त्याचा प्रचंड आनंद व्हायचा की मी लिहिलेलं छापून आलं। पॉनी से प्रदीप घडगे की रिपोर्ट।